हाय गाइस, माय नेम इज नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि आप एक न्यूरल नेटवर्क को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसी में आज हम लोग अपना पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो का टॉपिक है अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। तो अर्ली स्टॉपिंग क्या होता है और उसकी जरूरत क्यों है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से आप एक न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर रहे हो। न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के प्रोसेस में आपको हमेशा बताना पड़ता है कि आपको कितने ईपॉक्स तक अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना है। ईपॉक्स का मतलब आप कितनी बार सेम डेटा के ऊपर आइटरेट करके अपने मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो, ठीक है। अब हाउ वुड यू नो कि कितना सही ईपॉक होगा, लाइक मुझे अपने मॉडल पे 100 ईपॉक्स चलाना चाहिए या 1000 या 10,000, ये कैसे पता चलेगा? सो आप मुझसे पूछ सकते हो कि बट हमें बताने की जरूरत क्या है, हम बहुत ज्यादा टाइम तक चला देंगे, लेट्स से हम 10,000 ईपॉक्स तक चला देंगे और फिर देखा जाएगा मॉडल कैसा ट्रेन हुआ है। तो आई वुड से कि इस अप्रोच में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा ईपॉक्स तक अपने मॉडल को ट्रेन करते हो तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है डिपेंडिंग ऑन योर डेटा कि आपका मॉडल ओवरफिट करने लग जाता है। ओवरफिटिंग का मतलब आपके ट्रेनिंग डेटा के ऊपर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बट जैसे ही आप उसको नए डेटा के ऊपर रन करोगे अपने मॉडल को, यू वुड सी कि आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आ रहे। इनफैक्ट ये पॉइंट प्रूफ करने के लिए आई विल शो यू एक डेटा सेट के ऊपर, मैं आपको 5000 या आई डोंट रिमेम्बर शायद 3500-4000 ईपॉक्स में रन करूंगा एंड यू वुड सी कि वहां पे ओवरफिटिंग होगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अर्ली स्टॉपिंग को यूज करके उसी पॉइंट पे ट्रेनिंग को रोक सकते हो जहां पे ओवरफिटिंग होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो ये कोड मैंने पहले से लिख रखा है, आई विल जस्ट रीएडजस्ट द स्क्रीन, जस्ट गिव मी वन सेकंड। यस, सो यहाँ पे मैंने सारी चीजें इंपोर्ट की हैं और उसके बाद हमने मेक सर्कल्स को यूज करके एक खुद का क्लासिफिकेशन डेटा बनाया है जिसमें 100 डेटा पॉइंट्स हैं और हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, ये सब कुछ बहुत ही रूटीन आपके स्टेप्स हैं, सबको पता होंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना केरास का एक मॉडल बनाया। मेरा जो मॉडल है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें सिर्फ एक हिडन लेयर है और उस एक हिडन लेयर में देर आर 256 नोड्स, 256 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। इसको मैंने जैसे ही रन किया, हमारा मॉडल बन गया। मॉडल को कंपाइल करने के लिए हमें ये तीन चीजें बतानी पड़ती हैं, ये तीन चीजें मैंने बता दी और उसके बाद मैंने मॉडल को फिट किया, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग माय एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। नंबर ऑफ ईपॉक्स मैंने फिलहाल चलाया 3500, मैं और ज्यादा चला के भी दिखा सकता था। वर्बोज मैंने 0 रखा है ताकि आउटपुट प्रिंट ना हो और मैंने यहाँ पे वैलिडेशन डेटा में मेरे टेस्ट डेटा सेट को भेज दिया, ठीक है। मैं वैलिडेशन स्प्लिट भी कर सकता था बट दोनों अप्रोचेस चलेंगे। अब जब आप इस मॉडल को रन करोगे, अब मैं यहाँ पे रन करके नहीं दिखा रहा बिकॉज 3500 ईपॉक्स चलाने में टाइम लगेगा, तो आई कैन शो यू द आउटपुट। मैंने क्या किया, मैंने लॉस और वैलिडेशन लॉस, ट्रेनिंग डेटा पे जो लॉस है और वैलिडेशन डेटा पे जो लॉस है, उन दोनों को साथ में प्रिंट किया एंड दिस वॉज द कर्व। अब अगर आप इस कर्व पे थोड़ा सा अपना फोकस डालोगे तो यू वुड सी कि एक पॉइंट तक जो हमारा ऑरेंज कलर का कर्व है, विच इज द टेस्ट डेटा का कर्व, वो उसका जो लॉस था वो रिड्यूस हो रहा था अप टिल दिस पॉइंट, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट के बाद क्या हुआ कि वो बढ़ने लग गया। यू कैन सी, भले ही आप अगर ट्रेन के ऊपर फोकस करो तो ट्रेन उसके बाद भी रिड्यूस हो रहा है, बट यू कैन सी दिस गैप, ये गैप बढ़ता जा रहा है और ये गैप आपको बता रहा है कि आपका मॉडल अब ओवरफिट कर रहा है। इसका मतलब सही नंबर ऑफ ईपॉक्स होते इस ग्राफ को देख के हमें समझ में आ रहा है इस जगह पे, मतलब समवेयर अराउंड 300-350, अब उतना ठीक से समझ में नहीं आ रहा बट यू गेट द आइडिया। इस मॉडल को सही अमाउंट ट्रेन करने का मतलब है कि आप 300-350 ईपॉक्स तक इसको ट्रेन करो, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा आप जैसे ही करोगे आपका ये मॉडल ओवरफिट होने लग जाएगा। तो यहीं पे अर्ली स्टॉपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। सो अर्ली स्टॉपिंग एक मैकेनिज्म है केरास में जो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करता है कि एक पॉइंट के बाद अगर आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हो तो फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, ओवरफिटिंग हो रहा है, या आप बोल सकते हो कि आपका लॉस और ज्यादा बढ़ने लग रहा है या फिर आपका एक्यूरेसी और घटने लग रहा है। तो वो क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है उस स्टेट को ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और उसी जगह पे आपके मॉडल के जो ट्रेनिंग हो रही होती है उसको स्टॉप कर देता है,
ठीक है, इसी मैकेनिज्म को बोला जाता है अर्ली स्टॉपिंग। और अर्ली स्टॉपिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए केराज में कॉल बैक्स का फीचर होता है। कॉल बैक्स हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के कॉल बैक्स होते हैं। कॉल बैक्स इज बेसिकली कि आप केराज को यूज करके हर ईपॉक के बाद कुछ करवा सकते हो। तो यहाँ पर हम जो चीज करवाएंगे वो है अर्ली स्टॉपिंग। हम हर ईपॉक के बाद चेक करेंगे कि फायदा हो भी रहा है ट्रेनिंग का या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो हम वहीं पे ट्रेनिंग स्टॉप कर देंगे। यही होता है अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, तो आगे का जो कोड है उसमें मैंने अर्ली स्टॉपिंग इंप्लीमेंट किया है। बाय द वे ये डिसीजन बाउंड्री है जो हमने ट्रेन किया मॉडल को अराउंड 3500 ईपॉक्स, तो ऐसा डिसीजन बाउंड्री बन रहा है विच इज काइंड ऑफ गुड। मतलब ठीक है, ऑब्वियसली कुछ जगहों पे मिस क्लासिफिकेशन है, जैसे ये जो पॉइंट है ये मिस क्लासिफाइड है, यहाँ के पॉइंट थोड़े मिस क्लासिफाइड है, बट मोर और लेस ठीक ठाक ही है, बट ओवरफिटिंग तो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अर्ली स्टॉपिंग वाले अप्रोच पे। सबसे पहले मैंने मॉडल को फिर से डिफाइन किया। यहाँ पर आप नोटिस करोगे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, जैसा है बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। ठीक है, मॉडल को कंपाइल करने के प्रोसेस में भी हमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप क्या करते हो, अर्ली स्टॉपिंग बोल के एक फंक्शन होता है, एक क्लास होती है एक्चुअली केराज में। आप उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, और ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस में आपको कुछ इनपुट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं। अब ये पैरामीटर्स क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, ये जब हम अर्ली स्टॉपिंग के पेज पे जाएंगे केराज के डॉक्यूमेंटेशन में। फिलहाल बस ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने अपना अर्ली स्टॉपिंग काइंड ऑफ कन्फिगर किया और उसको कॉल बैक बोल के एक वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, और हमने जब फिट को कॉल किया तो फिट में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट लास्ट में कॉल बैक्स का जो वैल्यू है वो मैंने कॉल बैक सेट कर दिया। तो इसी स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, अर्ली स्टॉपिंग इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और बाकी सब कुछ सेम है। अब जब मैंने इस कोड को रन किया ना गाइस, तो यू कैन सी ये वाला कोड अब जा करके 327वें ईपॉक पे जाके रुक गया और बोल रहा है अर्ली स्टॉपिंग, इससे आगे जाने का फायदा नहीं है, यहीं पे रुक जाओ, यहीं पर आपका बेस्ट ट्रेनिंग पैरामीटर्स आपको मिल जाएगा, इसके बाद ओवरफिटिंग हो रहा है। ठीक है, एंड गेस व्हाट, हमने जब ये कर्व देखा था तो हमें यहाँ पे दिखाई भी दिया था कि सच में अराउंड 300-350 के आसपास हमें रुकना चाहिए था, वही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर मैंने जब प्लॉट किया तो यू कैन सी यहाँ से ये ऑरेंज वाला कर्व इज योर टेस्ट वाला लॉस और ब्लू वाला कर्व इज योर ट्रेनिंग वाला लॉस। यहाँ से आप देखो ये थोड़ा सा डाइवर्ज करने लग रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग हो रहा है ये ब्लू वाली लाइन से। तो यहीं पे उसने पहले से डिटेक्ट कर लिया कि अब ओवरफिटिंग होने वाली है, यहीं पे रुक जाओ। ठीक है, और इस पॉइंट पे जब मैंने अपना डिसीजन बाउंड्री प्लॉट किया तो वो भी बिल्कुल सही था और ठीक ही रिजल्ट दे रहा था। तो यू कैन सी मुझे सिर्फ 300-350 ईपॉक्स को ट्रेन करना पड़ा रादर देन ट्रेनिंग इट फॉर लाइक 3500 ईपॉक्स जो मैंने यहाँ पे किया था। 3500 ईपॉक्स के बदले मैंने सिर्फ 300 ईपॉक्स चलाए, 10% पे भी मेरे को सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अर्ली स्टॉपिंग एंड दैट इज वाई यू शुड इंप्लीमेंट अर्ली स्टॉपिंग। ठीक है, अब एक बार थोड़ा देख लेते हैं अर्ली स्टॉपिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। सो यहाँ पे कुछ आपके पास पैरामीटर्स होते हैं, इनको यूज करके आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो अपने अर्ली स्टॉपिंग मैकेनिज्म में। सबसे पहले आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपको कौन सी क्वांटिटी को मॉनिटर करना है, किसके ऊपर आप अर्ली स्टॉपिंग करना चाहते हो। तो जनरली आप वैलिडेशन लॉस के ऊपर करना चाहते हो, जो नया डेटा है अनसीन डेटा है उसके ऊपर लॉस कितना आ रहा है आप इस क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हो। आप एक्यूरेसी को भी कर सकते हो, अगर एक्यूरेसी घट रही है तो अर्ली स्टॉपिंग होगा, लॉस बढ़ रहा है तो अर्ली स्टॉपिंग होगा। ठीक है, मिनिमम डेल्टा क्या बताता है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मिनिमम चेंज इन द मॉनिटर्ड क्वांटिटी टू क्वालिफाई एज एन इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट कितना का मानोगे वो नंबर आप स्पेसिफाई करते हो यूजिंग मिन डेल्टा। ठीक है, उसके बाद आता है पेशेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंस का है नंबर ऑफ ईपॉक्स विथ नो इंप्रूवमेंट्स आफ्टर विच ट्रेनिंग विल बी स्टॉप्ड। मतलब मान लो कि अभी इस ईपॉक में कोई फायदा नहीं हुआ तो आप तुरंत नहीं रोकोगे, आप थोड़ा सा और वेट करोगे, जिसको पेशेंस बोला जाता है। आपने एक और ईपॉक चलाया और पता चला कि नहीं यार अभी भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर आपने एक और ईपॉक चलाया तो अभी भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो आपने अगर पेशेंस इक्वल टू 3 रखा है तो 3 ईपॉक्स तक वो वेट करेगा। अगर आपने पेशेंस 5 रखा है तो 5 ईपॉक्स तक वेट करेगा, अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो अर्ली ब्रेकिंग कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्बोज। वर्बोज इक्वल टू 0 करने पे आपको ये चीज दिखाई नहीं देगी कि यहाँ पे लास्ट में लिखा आता है ईपॉक 327 अर्ली स्टॉपिंग, ये दिखाई नहीं देगा। मैंने सिंस ये कर रखा था वर्बोज इक्वल टू 1 इसलिए मुझे दिखाई दिया, ये देखो। नेक्स्ट इज मोड इक्वल टू ऑटो। मोड क्या करता है,
मोड तीन में से कोई एक है, ऑटो, मिन या मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन मिन मोड ट्रेनिंग विल स्टॉप व्हेन द क्वांटिटी मॉनिटर्ड हैज स्टॉप डिक्रीजिंग, ठीक है। इन मैक्स मोड इट विल स्टॉप व्हेन द क्वांटिटी मॉनिटर्ड हैज स्टॉप इंक्रीजिंग, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी दैट यू आर मॉनिटरिंग। अगर आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हो तो कुछ और लगाएगा, और अगर आप लॉस की बात कर रहे हो तो कुछ और लगाएगा, ठीक है। वैसे बेस्ट ये होता है कि आप ऑटो लगा दो, केराज इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करवाना है, ठीक है। तो मैं हमेशा ऑटो ही यूज करता हूँ, बहुत रेयर सिनेरियोज में आपको खुद से बताना पड़ता है मिन या मैक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसलाइन। बेसलाइन इज बेसिकली बेसलाइन वैल्यू फॉर द मॉनिटर्ड क्वांटिटी। ट्रेनिंग विल स्टॉप इफ मॉडल डजंट शो इम्प्रूवमेंट ओवर द बेसलाइन। आप एक नंबर दे देते हो, जनरली कोई नंबर देता नहीं है, मतलब अनलेस अंटिल आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग है अपने डेटा के बारे में, नंबर इस तरीके से दे पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट इज रीस्टोर। बाय द वे मैंने यहाँ पे बेसलाइन में नन दे रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। रीस्टोर बेस्ट वेट्स, whether to restore model weights from the epoch with the best value of the monitored quantity. It's basically कि कोई एक epoch होगा जहां पे आपका loss सबसे कम होगा, आप क्या उस particular epoch पे जो weights का value है वो use करना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे false दे रखा है, आप true भी कर सकते हो। true करने से क्या होगा, हो सकता है थोड़ा पीछे वाले epoch का value आपका वेट्स में सेट हो जाए, तो फिलहाल मैंने फॉल्स दे रखा है, कुछ खास नुकसान नहीं है, बट यू कैन ट्राई विद अ ट्रू वैल्यू। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो एंड सी क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, ये छोटा सा टॉपिक था, अर्ली स्टॉपिंग बोलते हैं इसको। और जनरली जब आप एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ काम करते हो तो आप उसको बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेन नहीं करते, आप अर्ली स्टॉपिंग पे ये जिम्मेदारी छोड़ देते हो कि वो डिसाइड करेगा कि कितने ईपॉक्स तक ट्रेनिंग होना चाहिए। तो बहुत काम का फीचर है, छोटा सा फीचर है, बट इट इज वेरी यूजफुल, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड एक बार ये जो कोड मैंने आपके साथ शेयर किया है इसको आप एक बार रन करो और थोड़ा अपना इंट्यूशन डेवलप करो कि अर्ली स्टॉपिंग काम कैसे करता है। ऑल्सो जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए उनको चेंज करके देखो एंड यू वुड सी कि आपको अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।